नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं एक्सिस बैंक का स्टॉक देखने को मिल रहा है दोस्तों। 5.55 रुपए की स्टॉक में गिरावट यहाँ पर वनडे की देखने को मिली है दोस्तों। यहाँ पर वनडे की गिरावट 0.50% देखने को मिली है। 5 रुपए की गिरावट के साथ स्टॉक अपसाइड मोमेंटम भी स्टॉक देखने को मिला है। 1090 से स्टॉक ने बायबैक यानी कि किया है, अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिली है। स्टॉक की जो मोमेंटम फिर से अपसाइड देखने को मिल सकती है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं वीकली एनालिसिस के साथ, तो स्टॉक में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट का नजारा देखने को मिल रहा है। 8.90 पैसे की 8.90 रुपए की प्रॉफिट यहाँ पर 0.80% के साथ देखने को मिल रही है। शेयर का प्राइस यहाँ पर 1102.30 रुपए पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब स्टॉक की अपसाइड मोमेंटम यहाँ से स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए स्टॉक ने 92.93 रुपए से स्टॉक ने सपोर्ट बनाया है, फिर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली है दोस्तों। यानी कि अपसाइड मोमेंटम ज्यादा देखने को मिल रही है, स्टॉक और ऊपर जाने की संभावनाएं बन सकती है। एक महीने के चार्ट में अगर देखें तो स्टॉक का 37.40 रुपए का प्रॉफिट है और 3.52% का रिटर्न यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रहा है दोस्तों। स्टॉक ने यहाँ से 1083 रुपए से ही अच्छा खासा बायबैक यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि 21 दिसंबर से स्टॉक का प्राइस बहुत ही अच्छा खासा हाई मोमेंटम के साथ देखने को मिल रहा है। और भी ऊपर जाने की संभावना है, गैप अप में ओपन होकर अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर स्टॉक एक्सिस बैंक का देखने को मिल सकता है। और दोस्तों बात करें ईयरली की, तो थोड़ी सी गिरावट के साथ मोमेंटम स्टॉक में बनती हुई देखने को मिल रही है। 17% का रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 13 मार्च 2023 में ही 824 रुपए का स्टॉक प्राइस था और आज की डेट में 1102 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 161 रुपए का प्रॉफिट है। और बात करें दोस्तों 5 ईयर के चार्ट में, तो स्टॉक की मोमेंटम थोड़ी सी गिरावट के साथ देखने को मिल रही है, लेकिन ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, स्टॉक यहाँ पर हाई पर था और 983 से फिर गिरकर 933 फिर उठ खड़ा हुआ और फिर यहाँ पर 1036 से थोड़ा सा गिरा, फिर 971 और फिर बढ़ता हुआ देखने को मिला, यानी कि छोटी सी गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर आप 2 डेज लो की बात करें तो यहाँ पर 1093 रुपए है, 2 डेज हाई 1106 रुपए, 52 सप्ताह का लो की बात करें तो 814 रुपए और 52 सप्ताह का हाई यहाँ पर 1151 रुपए है। वॉल्यूम 87,000 है, 90% यहाँ पर बायर्स देखने को मिल रहे हैं और 16% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। डेप्ट तो इक्विटी यहाँ पर कंपनी फ्री है, कंपनी का नेट वर्थ बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी प्रॉफिट में यहाँ पर है। मार्च 2024 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से तो प्रॉफिट ईयरली की बात करें तो कंपनी का 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला है, नेट वर्थ अच्छी खासी देखने को मिली है दोस्तों। प्रमोटर्स भी होल्डिंग बहुत अच्छी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी, म्यूचुअल फंड भी स्टॉक में लगा हुआ है दोस्तों बहुत अच्छा खासा है कंपनी यहाँ पर, बहुत अच्छी खासी एक्सिस बैंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बैंक सेक्टर का यह स्टॉक है दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं, इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।